दोस्तों, बीते कुछ दिनों से जिस खबर का मैं पर्सनली बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिर वो खबर आ ही गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और हमने समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियोस की फॉर्म में आपको चेताया है, आपको अपडेट्स दी है कि भारत के साउदर्न पार्ट्स में जहाँ पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वहाँ पर चिली और कैप्सिकम, इन दोनों क्रॉप्स पर एक थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले लगभग 2-2.5 साल से ये इसका जो प्रकोप है, इसका अटैक है, इसने चिल्ली फार्मर्स और कैप्सिकम फार्मर्स की रातों की नींदें उड़ाई हुई हैं। दोस्तों, इस थ्रिप्स का नाम है ब्लैक थ्रिप्स और आज इसके नाम से हर कोई भली भांति परिचित है। इसे दोस्तों वेस्टर्न थ्रिप्स या फिर फ्लावर थ्रिप्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका अटैक जो है वो फूलों पर आता है, फ्लावर्स पर आता है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में एंटर किया था। और सबसे पहले ये दो क्रॉप्स पर रिपोर्ट किया गया था, पपीता और बनाना, और केरल की तरफ इसका जो अटैक है वो पहले देखने को मिला था, क्योंकि साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों ही थोड़ा सा ज़्यादा होती हैं, इसलिए वहाँ पर इसका जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा है। पर दोस्तों, इसका जो अटैक है वो इस तरह से है कि वहाँ पर इसका कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन था। 100% तक लॉसेज वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। फार्मर्स का यहाँ तक भी कहना है कि उन्होंने अपनी क्रॉप में 6 से लेकर 7 अलग अलग टेक्निकल के स्प्रेज किए हैं, पर उन्हें कोई खासा फ़ायदा नहीं मिला और वहाँ पर 100% तक लॉसेज देखने को मिले हैं। दोस्तों, अभी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है और ये खबर आई है दोस्तों, माहिको एक कंपनी है, ये सीड बनाती है, इसकी कई सारी मार्केट में वैरायटीज़ हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो जो घिया जो होता है, बोटल गोर्ड जो होती है, इसमें माही 8 और इस तरह से माहिको की इन काफ़ी सारी वैरायटीज़ मार्केट में दिखती हैं। और अभी इन्होंने दावा ये किया है दोस्तों कि इन्होंने चिल्ली यानी मिर्च की एक रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की है जो ब्लैक थ्रिप्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो काला थ्रिप्स होता है, ब्लैक थ्रिप्स, वेस्टर्न थ्रिप्स या फ्लावर थ्रिप्स जो होता है, इसके अगेंस्ट इन्होंने चिल्ली यानी मिर्च में एक वैरायटी निकाली है जो पूरी तरह से इस थ्रिप्स को बाईपास कर सकती है। और कंपनी के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो शिरीष जी ने ये दावा किया है कि जो नई वैरायटी निकली है चिल्ली की, ये ब्लैक थ्रिप्स से पूरी तरह से सुरक्षित है। और अभी इसके अलग अलग लोकेशंस पे ट्रायल चल रहे हैं और नेक्स्ट क्रॉपिंग जो पैटर्न आएगा सेप्टेम्बर के आसपास या फिर जुलाई के आसपास, ये दावा कर रहे हैं कि इसकी जो ये वैरायटी है इसे कमर्शियल पर्पस के लिए रिलीज कर देंगे। हालांकि अभी तक इस वैरायटी का कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ है, इसके अलग अलग लोकेशंस पे ट्रायल चल रहे हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि ब्लैक थ्रिप्स कोई पूरी तरह से उसके अगेंस्ट सुरक्षित है, मीन्स इस पर ब्लैक थ्रिप्स का कोई भी अटैक नहीं होगा। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर अपना प्यार बनाकर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।